क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। देश भर में लोग आज ईद का त्यौहार धूमधाम से मना रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक सभी मस्जिद ईदगाहों में नमाज पढ़कर लोग अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं और सभी मस्जिदों में मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेश छात्रों ने भी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। बताया जाता है कि मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ और माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया था और आज इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। कहीं पर सार्वजनिक स्थल जो है वहाँ पर भी नमाज अदा हो रहे थे। सभी जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्लस ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और ईदगाह के पास मस्जिद के पास ज़्यादा भीड़ ना हो। इस कारण से थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक का भी रेगुलेशन डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को आने जाने में भी आसानी हो और सुविधा रहे और ट्रैफिक भी अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम सब दुआ करते हैं, आज दुआ भी की गई है कि शहर में अमन व अमान रहे ताकि सब लोग हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर रहें। सुकून जब धर्म भ्रम हो जाता है, फसाद फैल जाता है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोग यहाँ इसी बात के लिए, दुआ के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि माहौल अच्छा रहे और सब खुश रहे। मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरे बिरादरी वतन को शरीक करता हूँ। आज हमारी खुशी का दिन है और अल्लाह के जाने से बदले का दिन। आज हम मजदूरों को, रोजेदारों को ऊपर वाला इनाम देता है, मजदूरी देता है और उससे हमको जो खुशी मिलती है उस खुशी में हम अपने सारे बिरादरान वतन, चूंकि सब लोग अल्लाह के ही बंदे हैं, पूरी चौकस व्यवस्था रखी गई है। हमारे पास एसएसबी की टीम है, हमारे पास बीएमपी की टीम है, जिला बल है, हमारे पास सीआईटी है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है हर जगह पे, हर मस्जिद पे और पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और सुरक्षा की सारे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसलिए सभी यह पर्व जिस तरह से पहले भी पर्व अच्छे से मना है, ये पर्व भी अच्छे से मन रहा है। बिहारवासी, भागलपुरवासी और पूरे देशवासी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी हम लोग मिलके, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलके एक साथ बिहार और देश का आगे बढ़ाने का काम करें। आगे बढ़ मिले, एक दूसरे से मिलकर खुशी का इजहार करें। अल्लाह तबारक व ताला एक दूसरे हर एक के दिलों को मिला दे। इस्लाम नाम ही इसका है। मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जबान से, इसके हाथ से, उनके पैर, हर चीज़ से दूसरा इंसान महफूज रहे। इसलिए और ये आज त्यौहार का दिन है, इसलिए हमारी अपील है कि तमाम आलम के अंदर, तमाम मुल्क के अंदर। नवादा में आज पूर्व राज्य मंत्री गायत्री देवी के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विनम्र श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उनके ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम ने गायत्री देवी के फोटो पर पुष्प चढ़ाया और पूर्व विधायक नवादा के कौशल यादव से मुलाकात की।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर द्वारा विकास कार्यों की गति तेज हो गई है और कच्ची सड़क व नाली निर्माण पर नगर परिषद का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में नगर परिषद कार्यालय के पीछे कच्ची सड़क को पक्कीकरण के लिए नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, सभापति गीता देवी के साथ पार्षद पति राजू पटेल ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि सोमेश्वर साहित्य परिषद के भूमि के कागजात का अवलोकन करने और समिति के सदस्यों से बातचीत करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। है और से लेप निर्माण का कितना क्या लागत से बन रहा है? 8,45,000 के आसपास के लिए। इसके बाद अगला शुरुआत आपकी तरफ से कर रहे हैं, मुक्ति धाम पर भी ये चर्चा रहा है कि वहाँ के लिए भी सड़क की सुविधा नहीं है, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? पिछली बार जो बैठक हुई थी बोर्ड का, उसमें सारी योजना तय कर ली गई है, उसका इस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द बैठक में ये भी चर्चा आया कि रामनगर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इस संदर्भ में आपने क्या? जी, सौंदर्यीकरण के में हम लोग का राजशिव मंदिर, नंदेश्वर मंदिर है, यहाँ पार्क की भी व्यवस्था करने वाले हैं और इसके साथ साथ सभी प्रोग्राम आए स्थान के विषय में भी सभापति प्रतिनिधि महोदय से हम लोग की बात चल रही है कि आने वाले समय में। भागलपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने जातिगत जनगणना के शिक्षकों को हटाए जाने के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और शिक्षा के स्तर को लगातार बिहार में ऊपर ले जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके कहने का यह अर्थ नहीं था, अभी स्कूलों में गर्मी को देखते हुए जूनियर क्लासेस बंद है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके कहने का मतलब ये था कि शिक्षकों के साथ साथ राज्य कर्मचारी और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी इस काम में लगाया जाए, तो जातिगत जनगणना जल्द खत्म हो जाएगा और बेरोजगार युवकों को आर्थिक मदद भी हो जाएगी। 3 वर्षों में ग्रेजुएशन हो रहा है, उन्होंने बहुत सुधार किया है। मेरा जो जाति जनगणना पर मैंने बोला कि शिक्षकों को दूसरे राजकर्मियों को लगाना चाहिए, तो मेरा यह कहने का अर्थ था कि शिक्षकों के साथ साथ और भी राजकर्मियों को लगाया जाए ताकि जल्द से जल्द काम हो। और अभी बच्चों का, अभी गर्मी का सीजन में तो अभी नीचे क्लासों का सस्पेंड काम है, इसलिए मैं आग्रह करूँगा शिक्षकों लोगों से कि सब लोग मिलजुल के, और जो बेरोजगार लोग हैं, ये मेरे कहने का मतलब था, जो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर। ईद के मद्देनजर गया जिले की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अलविदा की नमाज के बाद इस्लाम धर्मावलंबियों ने ईद मनाया। बता दें इस दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही लोगों से सौहार्द वातावरण में ईद मनाने की अपील की गई। वहीं इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में जवानों के साथ साथ अधिकारी भी शामिल हुए। नालंदा जिला में हीट वेव का प्रकोप जारी है। नालंदा जिला का पर्यटन स्थल राजगीर कभी पर्यटकों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन इन दिनों में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटकों की कमी के कारण यहां के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ रहा है और यहां की पंच पहाड़ियों से घिरा राजगीर में इन दिनों देशी विदेशी पर्यटक भी काफी कम आ रहे हैं। मंदिर है, कुछ लोग खोलते हैं, कुछ ना खोलते, घर में बैठे रहते हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है, स्कूलियाँ नहीं चलते हैं, पर्यटक नहीं आ रहे ना? पर्यटक एकदम नहीं आ रहा है। नहीं, पर्यटक तो सोचे गए है, इजरी मनी बिहार वाला लोकल पूरे, अब गर्मी से आदमी निकल रहा है, कोरोना फिर आ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते? कोरोना नहीं दिख रहा है, इसका सीधा सीधा कारण ये है, यह भीषण गर्मी के कारण पर्यटकों में जो तीर्थ के प्रति आने का जो सिलसिला था उसमें काफ़ी कमी हुआ है, जिससे आपको ये बिराना नज़र आ रहा है। हम लोग तीर्थ पुरोहित तीर्थ यात्रियों का इंतजार में लगे हुए हैं।
बिहार शरीफ में शुक्रवार की रात अचानक धूल भरी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान बीच सड़क पर चलने वाली हर छोटी बड़ी वाहन और राहगीरों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली। बता दें कि बिहार शरीफ में करीब एक घंटे तक मूसलाधार बारिश के साथ बादल भी गरजे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। काले पहलवान चेयरमैन प्रत्याशी नगर पालिका परिषद गुलावटी जनपद बुलंदशहर की तरफ से ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शोएब भैया भावी प्रत्याशी नगर पालिका परिषद गुलावटी। आप सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। आप सभी लोगों से गुजारिश, कस्बे में भाईचारा बनाए रखें, किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में आके माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अपने आसपास सफाई रखें, कस्बे को साफ स्वच्छ रखें। उमेश कुमार पाशी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इल्तिफातगंज जनपद अम्बेडकर नगर की ओर से परशुराम जन्म उत्सव और ईद उल फितर की सभी प्रदेश और देशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बिलालुद्दीन बाबर प्रधानाध्यापक प्राइमरी विद्यालय अडिरा कुनिया विकास क्षेत्र म्याऊ जनपद बदायूं की तरफ से सभी देशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। इरफान अहमद सभासद वार्ड नंबर 13 जनपद बदायूं की तरफ से ईद उल फितर की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के पैचना पंचायत में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत तृतीय चरण में डस्टबिन वितरण की शुरुआत की गई। इस दौरान बीडीओ लक्ष्मण कुमार और प्रमुख बाबूलाल राम के साथ मुखिया प्रतिनिधि ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस दौरान मुखिया सुशीला कुमारी ने बताया कि पैचना पंचायत में सभी 14 वार्डों में कुल 1843 हरे और 1843 नीले रंग का डस्टबिन वितरण किया गया। इस मौके पर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पैठना पंचायत बीडीओ साहब एवं प्रमुख एवं मुखिया के द्वारा हर वार्डों में डस्टबिन का वितरण किया गया। कितना वार्ड है यहाँ? 14 वार्ड। कितना वितरण किया गया यहाँ? आपको 3700 बाल्टी वितरण किया गया। क्या लोगों से अपील करें? अपील क्या करना चाहते हैं लोगों से? लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि आदर्श पंचायत, स्वच्छ पंचायत एवं ये होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, पब्लिक में जागृति होना चाहिए। स्वच्छ रहने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि एवं मुखिया। क्या नाम लिखते हैं आप? वीरेंद्र कुमार उर्फ। कोशी प्रमंडल आयुक्त मनोज कुमार शुक्रवार को सौर बाजार प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं साथ में सहरसा जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी भी मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सौर बाजार थाना और बैजनाथपुर पुलिस शिविर द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। उसके बाद सौर बाजार प्रखंड कार्यालय के सभी विभाग व बारीकी से निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रखंड और अंचल कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मी वहां पर मौजूद रहे।
भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपया निर्धारित किया गया है। इसी को लेकर सहरसा के जिला पदाधिकारी ने कहरा प्रखंड के बरियाही पैक्स गोदाम का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पैक्स गोदाम के प्रबंधक द्वारा लिए जा रहे गेहूं का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने किसानों द्वारा लाए गए गेहूं का वजन करवा कर देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रबंधक व जिला सहकारिता पदाधिकारी को कई निर्देश भी दिए। एक्टिव है, जो भी किसान बंधु हैं इंटरेस्टेड हैं अपना गेहूं बेचने के लिए, वो उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारे क्रय केंद्र पर आवें, दें। उनके पारदर्शिता के लिए विभाग ने उनके मोबाइल पे OTP भेजने का प्रावधान किया है, जिससे उनका सही वजन और कीमत उनको मालूम मिल सके, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं कि हमने कभी कभी कंप्लेन आता है कि हमने 100 क्विंटल दिया और हमारा वजन 90 क्विंटल किया गया, वैसा नहीं है। अब सीधे उनके मोबाइल पे OTP भेज जाएगा, वहाँ से OTP देंगे तभी उनका रिपोर्ट हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वर्ष का जो सरकार ने तय किया है सरकारी दर, वो है 2125 रुपये प्रति क्विंटल। मिली जो आज विधिवत DM साहब उद्घाटन करेंगे, तो आज उसी का उद्घाटन। क्या फ़ायदा है इनसे? फायदा तो किसान के हित में तो है ही ना, सरकार के 125 रुपया रेट है, हालांकि है तो इस बार जो है से बाज़ार भाव गेहूं का ज़्यादा है, तब भी जो भी किसान है, कुछ किसान अपना सरकार के माध्यम से बेचना चाहते हैं, वो लोग अपना देंगे, सब दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव। नदी प्राप्ति का कार्य किया जाए, इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित मूल्य भी तय किया गया है। उसी दर पे सभी हमारे कृषक बंधुओं से जो रैयत श्रेणी के या गैर रैयत श्रेणी के हों, वो निबंधित हों, उनका गेहूं की खरीदारी की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन रखा गया है और भुगतान के पूर्व और जब किसान आकर के हमारा गेहूं देगा तो उसको। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अभियोजन स्पीडी ट्रायल मद निषेध अभियोजन की समीक्षात्मक बैठक हुई। साथ ही भूमि विवाद एवं जनित विधि व्यवस्था से संबंधित कई बिंदुओं और शराबबंदी को लेकर वार्ता की गई। बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक व नगर आयुक्त के अलावा कई अधिवक्ता और कई विभागों के पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे। तो हम पिछला कॉपी दिए थे सर। कौन सा थाना है ये? इसमें सर डॉक्टर साहब का पता मिल गया है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर में पृथ्वी दिवस को लेकर प्रखंड के अधिकारी और कर्मी द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसको लेकर अंचलाधिकारी अनुपम कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनिया ढंडनिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी नेहा कुमारी ने बताया कि पेड़ इंसान को अंतिम सांस तक ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि इंसान के द्वारा पैदा किया हुआ संतान अपने ही माता पिता के सांस को रोक देना चाहता है, और साथ ही कहा कि इसलिए हर इंसान को पेड़ की सुरक्षा करना चाहिए। कमिश्नर सर का इंस्पेक्शन भी था हमारे, तो इतनी बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए हमने सोचा कि वृक्षारोपण किया जाए और 20 वृक्षों को मंगाया है हमने, जिसमें कुछ फलदार वृक्ष हैं और कुछ छायादार वृक्ष हैं। प्रखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? प्रखंड के लोगों को यही संदेश देंगे कि हम लगा दिए हैं, आप ही को फल देगा, तो इसका देख रेख करिए अच्छे से। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं।
skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।